हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 हिंदी पेपर हिंदी पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे दोस्त हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, तो हम पेपर के प्रश्न 1 की शुरुआत करते हैं। फकरा दिया गया है, तो प्रश्न 1 है, मानव इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है? तो प्रथम लाइन में और दूसरी लाइन में उसका आंसर आपको दिखता है। तो आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है तब से मानव इतिहास का आरंभ माना जाता है, उसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन 2 है, परिच्छेद पढ़कर असभ्य शब्द का विलोम शब्द ढूंढिए। तो असभ्य का क्या होगा? सभ्य। असभ्य क्या होगा? सभ्य। तीसरा क्वेश्चन है, आरंभ होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आरंभ होता है तो उसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शुरुआत होना, अर्थ होगा शुरुआत होना। क्वेश्चन 4, मनुष्य अपने विचारों को किस प्रकार रखने लगा? मनुष्य अपने विचार को किस प्रकार से रखने लगा? तो मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। फिर 5, परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। परिच्छेद पूरा पढ़ के उचित शीर्षक देना है, तो हमारा इतिहास आप अपनी तरह से भी दे सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए 8 से 10 वाक्य में, लिखने का है। तो प्रश्न 2 है, तो हम लिख देते हैं, एक सुंदर गांव का चित्र है, पनिहारी पानी भर के घर जा रही है, दूसरी स्त्री अपना अपना काम कर रही है, बच्चा माँ के साथ खेल रहा है, कुत्ता और मुर्गा कुछ खा रहे हैं, लड़की कुएं से पानी भर रही है, गाय बैठी है और उसका बच्चा खड़ा है, चित्र में कुछ आदमी अपना काम करते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से अपने तरीके से भी आप वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न 3, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। शब्दकोश क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। शब्दकोश के मुताबिक तो कक्षा, अजगर, मंदिर, मनुष्य, तो शब्दकोश के अनुसार हम देखेंगे तो अजगर सबसे प्रथम आएगा। अजगर के स्वर में अ सबसे पहले आता है, अजगर। शब्द को उस क्रम में लिखिए। दूसरा है तो हम देखते हैं, क्षमा, ज्ञानी, कागजात, गमला, अंबर, आंगन, कक्षा, मनुष्य। तो उसका आंसर होगा, स्वर से हम शुरुआत करेंगे तो पहले आएगा अंबर, आंगन, कक्षा, कागजात, क्षमा, गमला, ज्ञानी, मनुष्य। उसका आंसर हो गया ए का। अभी का आंसर डायरेक्ट देखते हैं, बी का आंसर। तो बी का आंसर आएगा, उसमें भी अजगर है, हाँ तो अजगर लेते पहले, अजगर, कक्षा, जगत, धन, भारती, मनोहर, मंदिर, रामायण। अब निम्नलिखित अंकों को शब्द में लिखने का है, तो प्रथम देखते हैं, प्रथम संज्ञा में इक्का बन क्या है? इक्का बन। दूसरे का अनथर, उनहत्तर। दूसरे का क्या है? उनहत्तर। तीसरे का है 75। चौथे का है नवासी है, और पाँचवें का है निन्यानवे। अब 5 देख लेते हैं, क्वेश्चन 5, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। उजाला है, दीपक है, सूरज है, प्रकृति है, मुस्कुराहट है। तो पहले उजाले का हम बताए, उजाला कब कहाँ से, उस तरह के हम वाक्य बनाएंगे। दीपावली में चारों तरह उजाला हो जाता है, दिए जलाने से भी उजाला हो जाता है, इस तरह से आप वाक्य बना सकते। दीपक का बना देते, दीपक जल रहा है, दीपक जलाने से उजाला हो जाता है, इस तरह से बना सके। तीसरे का है सूरज, सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। फिर चौथा है प्रकृति, प्रकृति ही हमारा जीवन है, प्रकृति सही उपयोग करना चाहिए, इस तरह से बना सकते हैं। पांचवा है मुस्कुराहट, छोटी बच्ची की मुस्कुराहट बहुत प्यारी होती है। जो आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको PDF पेपर सॉल्यूशन, PDF फॉर्म में पेपर सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले पेपर सॉल्यूशन देखने के लिए।